सोनम पांडे लाइक स्टोरी। पांडे लाइक स्टोरीज में आपको स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन। शिव और सती विवाह। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आदि ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण से तप कर रहे हो? तब दक्ष ने कहा, ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आदि ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी, जन्म लूँगी, मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फलतः भगवती आदि शक्ति ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। ऐसे अलौकिक आश्चर्यचलित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आदिशक्ति का अवतार है, आदिशक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव से करने के लिए तैयार हुए और भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान खनकल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। उसी समय आकाश मार्ग में विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? भगवान शिव ने कहा कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी, उनसे मिलने के लिए बहुत दिन हो गए हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा, आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है,
पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है, लेकिन सती पिहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। घर पर सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप यानी कि बात नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है, तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। उन्हें यह लगने लगा कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, पर अब क्या हो सकता है, अब तो वो आ ही गई है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ भगवान शिव यज्ञ में तो सबके भाग पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं और कैलाशपति का भाग नहीं है। दक्ष उठा, उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। देवताओं तुम्हें भी धिक्कार है, तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं, नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया, देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र ने क्रोध से कांप उठे, वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई, देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए, और वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया। भगवान शंकर मन को व्याकुल कर दिया, जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने के लिए क्षमता रखते हैं। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती माँ के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, रुक गई देवताओं की सांसें, सृष्टि व्याकुल हो उठी, सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम, भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान विष्णु की बेसुधी में अपने चक्र से सती के सारे अंग काट कर गिरा दिए। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे थे, वही स्थान आज शक्तिपीठ के स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कोई वीडियो डालूं ताकि आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सोनम पांडे लाइक स्टोरीज, हर सुबह 11 बजे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कहानी सुनिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। हर रोज़ सुबह 11 बजे एक नई कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।